हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड इनरोलमेंट आईडी से कैसे डाउनलोड किया जाता है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, अपने मोबाइल से भी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका जो भी ब्राउज़र है आपका मोबाइल का, उसको आपको ओपन करना होगा। मैं यहाँ पे आपको जो भी प्रोसेस है क्रोम ब्राउज़र से करके दिखा रहा हूँ। गूगल में आपको सर्च करना होगा यूआईडी। आप जैसे ही यूआईडी लिख के सर्च करते हैं, सबसे ऊपर में ही जो भी आधार का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो आ जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, यहाँ से आप भाषा चूज करके इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट आधार का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोड आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। माई आधार का यहाँ पे पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो फिर से आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आधार डाउनलोड वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे पेज पे आने के लिए आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं जहाँ से आपको आधार डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं जो भी आधार नंबर होता है 12 अंक का होता है, और वर्चुअल आईडी यहाँ पे 16 अंक का होता है। इसके अलावा जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी होता है वो 28 नंबर का होता है। तो आपका यहाँ पे अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आधार नंबर डाल के आपको यहाँ पे कैप्चा इंटर करना होगा। फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, इनरोलमेंट आईडी है, तो आपको इनरोलमेंट आईडी इस तरह से सिलेक्ट करना होगा और जो भी 28 अंक का इनरोलमेंट आईडी है आपको यहां पे डालना होगा। जो भी आपके पास रिसीविंग होगा उसमें इनरोलमेंट नंबर होगा तो इनरोलमेंट नंबर, उसके अलावा जो भी डेट है डेट, और इसके अलावा जो भी उसमें टाइम है सभी आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, तभी यहाँ पे जो भी अंक है 28 अंक का हो पाएगा। और आपका जो भी डेट है डेट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, और जो भी आपका टाइम है टाइम को भी इस तरह से आपको लिख के इंटर करना होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इंटर कर ले रहा हूँ। सबसे आपको पूरा लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके सामने अगर गलत रहेगा जो भी इनरोलमेंट आईडी अगर गलत डालते हैं तो इस तरह से आपके सामने मैसेज आएगा। मैं यहाँ पे इसको ठीक कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरह से आपका जो भी ओटीपी है, आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर चला जाएगा। इसके बाद नीचे जो देख सकते हैं ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी ओटीपी है आपको इंटर करना होगा। इसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होगा। आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपका जो भी आधार है आपका डाउनलोड हो जाएगा और आसानी से आपका मोबाइल में सेव हो जाएगा। कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ मिल जाएगा। आपका आधार यहाँ पे डाउनलोड हो गया है सक्सेसफुली। अगर आपको पीडीएफ को ओपन करना है तो इस तरह से आपको ओपन करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका नाम अनीस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ में ईयर 1989 है और नाम अनीस है तो आपका जो भी पासवर्ड होगा अनीस का ANIS होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका ईयर है, जो भी आपका साल है, आपको यहाँ पे जो भी आपका पीडीएफ है पीडीएफ को खोलने के लिए इस पासवर्ड को यूज़ करना होगा। इस तरह से आपका जो भी आधार है आधार आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा